आज हम लंच करेंगे मैम की डॉटर के साथ, और मैम के साथ वो ऑलरेडी लंच कर रही है, तो उन्होंने हमें भी इनवाइट किया लंच के लिए। हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं 12th पास कर चुकी हूँ, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, पर फैमिली की प्रॉब्लम्स की वजह से मैं यहाँ पे आगे पढ़ नहीं पा रही हूँ। सपने तो सबके होते हैं, पर प्रॉब्लम्स की वजह से कोई कुछ कर ही नहीं पाता। ये आलू की सब्जी है, ये देखिए लग रही है ना बढ़िया, आलू मटर। जब हमने नई नई कार्ड लगाई थी कि हम मेहनत करेंगे हम आगे पहुँच जाएंगे, बल्कि रेड़ियाँ चोरी होने के बाद हम पूरे डूब गए और ज़्यादा। देखिए लंगर वाली दाल नहीं थी, लोग कहते हैं बाबा के ढाबा जैसा है, ये हुआ है, फलाने है। हमें काफी लोगों का कमेंट देखा, हम बाबा के ढाबे जैसे नहीं है। मैंने कमेंट पढ़े काफी लोगों के कि बाबा के ढाबा जैसे, जैसे गौरव वासन के साथ हुआ था, भैया के साथ, तो वैसे नहीं है। हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत ज्यादा परेशान है। देखिए मैम बहुत परेशान है, काफी भावुक भी है। बहुत बढ़िया, मैम के फेवरेट तो आलू मटर है, डॉटर का राजमा है, मैम का आलू मटर है, तो मुझे तीसरी वाली का भिंडी है। अच्छा तीसरी वाली का भिंडी है, देखिए छोटी वाली का जो फेवरेट है वो भिंडी है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को अगर यहाँ आना है, मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ। ये देखिए ये दीनदयाल हॉस्पिटल है, अगर मैं आपको दिखाऊँ, देखिए ये दीनदयाल हॉस्पिटल है और सामने सुभाष नगर है। सुभाष नगर से आप सीधा अगर इस साइड आएंगे तो ये रहा, देखिए इनका कार्ड, ये रहा इनका कार्ड, छोटा सा कार्ड है। तो सबसे पहले मैं आपको ओवरलुक दिखाता हूँ इनकी शॉप का, ये देखिए ये रही इनकी शॉप, मैम है और इनकी डॉटर है। तो चलिए देखते हैं कैसा है इनका जायका, कैसा है टेस्ट। तो मैम बताएंगे क्या क्या है आप खाने में। ये देखिए ये चावल है, राइस, और ये डबल चाबी जीरे वाले डबल चाबी राइस है। ये देखिए काफ़ी अच्छा, काफ़ी जायकेदार लग रहा है, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। तो आगे देखते हैं और क्या क्या है। ये देखिए ये दाल है, कौन सी दाल है मैम? लंगर वाली, देखिए लंगर वाली दाल। ये देखिए दोस्तों ये है लंगर वाली दाल। ये देखिए दोस्तों क्या लग रही है ना जायका, मेरे को देख के तो मुंह में पानी आ रहा है, मैं तो जरूर टेस्ट करूंगा इसको। आगे देखते आगे क्या है। ये देखिए दोस्तों ये है आप लोगों का फेवरेट राजमा, ये देख रहे हैं। ये देखिए दोस्तों राजमा कितना थिक लग रहा है, कितना जायकेदार लग रहा है, काफ़ी मतलब जो ग्रेवी में देख रहा हूँ काफ़ी थिक है, और मसाले भी मुझे काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, राजमा की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लग रही है। आगे देखते हैं और क्या वाले राजमा यूज हुए पड़े हैं। कौन से राजमा? चित्री वाले राजमा। और ये आलू मटर है। ये देखिए आलू मटर की सब्जी, सब्जी हमारी चेंज होती रहती है, और ये सब्जी रोज चेंज होती है, राजमा रहते हैं, राजमा चावल सब खाते हैं, कड़ी चावल खाते हैं, सब्जी रोज चेंज होती है। ये देखिए ये सब्जी राजमा रहेंगे और सब्जियां दो चेंज हो जाती है। ये देखिए दोस्तों क्वालिटी देख रहे हो सब्जी की, क्या बढ़िया लग रही है। ये देखिए काफ़ी थिक लग रही है, मटर भी अच्छे हैं, आलू भी नज़र आ रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ें प्रॉपर डली हुई है, ऐसा नहीं कि आलू कम है मटर कम है, दोनों क्वांटिटी में आपको सही मिलेंगे। और देखिए ये सैलड में प्याज यूज़ की जाती है, ठीक है। और क्या है? ये देखिए ये है रायता, ये देखिए दोस्तों ये रायता है, ये देखिए ये जीरे वाला रहता है, जीरे वाला जीरा बूंदी का रहता है। ये देखिए प्याज टमाटर का भी बनाते हैं कभी कभी, देख कभी कभी प्याज टमाटर का रहता बनता है, कुछ ना कुछ जीरे का। देखिए जो रेसिपीज है ना यहाँ पे वो रोज चेंज होती है। ये देखिए घर की बनी हुई रोटी है, और मैम खुद बनाती है अपने हाथों से, मैं और गुड़िया दोनों जो माँ बेटी दोनों मिलके सुबह उठ के ये गरम गरम रोटियाँ आप लोगों के लिए बनाई जाती है तवे की। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है यहाँ आइए और इनका जायके का आना जरूर लीजिए, और आपके जो भी सजेशन है कमेंट बॉक्स में जरूर। तो चलिए अब देखते हैं कैसा है जायका, कैसा टेस्ट। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों ये है रायता, देख रहे हो क्या बढ़िया लग रहा है। और ये देखिए ये आलू की सब्जी है, ये देखिए ये देखिए लग रही है ना बढ़िया, आलू मटर, ये देखो आलू मटर की सब्जी, क्या बढ़िया लग रही है आलू मटर की। और ये देखिए ये है राजमा, क्वालिटी ऑफ राजमा देखिए, ये देखिए क्वालिटी ऑफ राजमा, देख रहे हो क्वालिटी ऑफ राजमा, ये देखिए क्वालिटी ऑफ राजमा क्या बढ़िया लग रही है, काफ़ी थिक और काफ़ी मसालेदार लग रहा है। और ये देखिए ये दाल है, और ये रोटी है, और राइस है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का जायका। ये देखिए
आज हम लंच करेंगे मैम की डॉटर के साथ, और मैम के साथ वो ऑलरेडी लंच कर रही है, तो उन्होंने हमें भी इनवाइट किया लंच के लिए। तो मैम ने मुझे ऑफर करा खाना, तो खाना मैं आपको ऑलरेडी दिखा दिया क्या क्या है। तो ये देखिए, ये है रोटी, काफ़ी गर्म लग रही है और काफ़ी सॉफ्ट है, और ख़ुद ये मिलके दोनों रोटी बनाते हैं। देखिए कितनी सॉफ्ट है, अगर मैं क्वालिटी ऑफ रोटी दिखाऊं, तवा रोटी ये देखिए काफ़ी अच्छी लग रही है। तो इसको मैं टेस्ट करूंगा राजमा के साथ। बहुत बढ़िया दोस्तों, जैसे घर का टेस्ट होता है ना राजमा का, वैसा है। थोड़ा सा स्पाइसी है, यहाँ पे स्पाइसी मांगते हैं भैया थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ स्पाइसी मांगते हैं, देखिए मैम बता रही हैं स्पाइसी मांगते हैं, पर जायका बहुत अच्छा आ रहा है। जो भी स्पाइसी है, अब उनको वो कम स्पाइसी लग रहा है, मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, पर ये है कि अच्छा लग रहा है, टेस्ट काफ़ी अच्छा है, बैलेंस है। और जो सॉल्ट, लाल मिर्च भी नहीं डालते, सॉल्ट की क्वान्टिटी भी बैलेंस है। वो जो टेस्ट लग रहा है ना, जायका लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हम घर पर बना हुआ राजमा खा रहे हैं। बहुत अच्छा है, काफ़ी थिक है, काफ़ी जायकेदार है। अब ट्राई करूँगा मैं दाल के साथ, तड़का दाल है ना। हाँ, यहाँ पे थोड़ा चटपटा मांगते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये है तड़का दाल। हम तो ये भी मिर्चें कम खाते हैं घर में, तभी तो रात को अलग से बनाती हूँ बिना मिर्चों वाली। सुबह दोनों टाइम पे यही खा लेते हैं हम। मैं को देना थोड़ी देर राजमा, तड़का दाल तो बहुत बढ़िया लग रही है। और मैम की डॉटर को राजमा बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। दो प्लेट खा चुकी है ऑलरेडी, पहले बता दूँ आपको, दो प्लेट खा गई है, तो बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादातर राजमा ही खाती है, तीसरी खा रही है, ये तीसरी जा रही है। तो बहुत अच्छा है, काफ़ी जायकेदार है, बहुत हार्ड वर्किंग से ये लोग खाना बनाते हैं, काफ़ी प्यार से खाना बनाते हैं। आप अगर यहाँ आएंगे तो आपको एक अच्छे फूड के साथ एक अच्छे प्यार से तरीके से खाना सर्व किया जाता है। काफ़ी प्यार से मैम हमें खाना सर्व करते हैं, मुझे तो बहुत अच्छे से उन्होंने खाना सर्व किया, और काफ़ी नीट एंड क्लीन है, डिस्पोजेबल काफ़ी नीट एंड क्लीन है। चलिए, तो अब दाल जो है काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी टेस्टी थी, तड़का दाल नो डाउट तड़केदार है। आलू मटर की सब्ज़ी, टेक्सचर में अगर देखूं आलू मटर की सब्ज़ी का काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी थिक है। क्वालिटी ऑफ अगर आलू देखूं मैं, काफ़ी सॉफ्ट है। देखिए, ये देखिए काफ़ी अच्छे से पक गया है आलू। ये देखिए, ऐसे जस्ट थोड़ा सा दबाओ, अब टूट रहा है, और देखते हैं जायका कैसा है। आलू मटर नो डाउट फेवरेट आलू मटर है, बहुत बढ़िया। मैम के फेवरेट तो आलू मटर है, डॉटर का राजमा है, मैम का आलू मटर है, तो मुझे तीसरी वाली का भिंडी है। अच्छा, तीसरी वाली का भिंडी है, देखिए छोटी वाली का जो फेवरेट है वो भिंडी है। तो ये लोग सब मिलके वैसे ही फूड बनाते हैं। भिंडी परसों बनेगी हमारे, भिंडी परसों बनाएंगे मैम। तो नो डाउट जो आलू मटर है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी टेस्टी है। जो अरोमा आता है, खुशबू आ रही है ना, जो काफ़ी अच्छी आ रही है, काफ़ी गर्म भी है, और जो टेस्ट होता है, जायका होता है ना, बहुत अच्छा है, काफ़ी इनहेंस है। तो नो डाउट वेरी ऑथेंटिक, वेरी डिलीशियस। अगर आपको हिंदुस्तान में एक अच्छा जायका लेना है, एक अच्छा स्ट्रीट फूड खाना है, तो आपको स्ट्रीट पे उतरना ही पड़ेगा, और यहाँ पे आपको आना पड़ेगा ऐसे छोटे स्टॉलों पे, और उन्हीं स्टॉलों पे आपको एक ऑथेंटिक और एक अच्छा जायका मिलेगा, जो काफ़ी जायकेदार, काफ़ी टेस्टी, काफ़ी बढ़िया होता है। आपको होटल और रेस्टोरेंट में भी खाना मिल जाएगा, पर ऐसा स्ट्रीट फूड आपको बहुत ही कम जगहों पर मिलेगा। हाँ, मन नहीं भर रहा और खाने का मन कर रहा। और ये देखिए, ये है रायता, ये देखिए 10 रुपये का रायता, ये देखिए ठंडा ठंडा रायता, देखते हैं कैसा जायका। काफ़ी टेस्टी है बनाया गया है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा रायता, नो डाउट। तो दोस्तों, मैंने फूड रिव्यू कर लिया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, वेरी ऑथेंटिक, वेरी डिलीशियस, बहुत अच्छा जायका है इनका। जो मैम प्रिपेयर करती है, काफ़ी अच्छे से फूड प्रिपेयर करती है, नीट एंड क्लीन है, हाइजीन का ज़्यादा इशू नहीं है। देखिए, पर स्ट्रीट फूड में, देखिए मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, अगर आपको स्ट्रीट फूड खाना है तो थोड़ा सा हाइजीन को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा हाइजीन के साथ, बट नो डाउट जायका जो टेस्ट है आपको यहाँ बहुत अच्छा मिलेगा। प्राइस काफ़ी नॉमिनल है, काफ़ी रीज़नेबल है, कोई भी अफोर्ड कर सकता है। तो आप यहाँ आइए, मैम को सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे चैनल के साथ भी बने रहिए। आज के जायके के सफ़र को हम यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए जायके के साथ नए सफ़र में। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, ताकि हमारा चैनल ग्रो सके, और मैं आपको नए जायके दिखाता रहूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद एंड वंदे मातरम।